अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वलीद और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डज इक्विपमेंट मैटर। जी हाँ, तो आप में से ऐसे बहुत लोग होंगे जो ये सोचते होंगे कि वीडियो बनाने के लिए काफ़ी हाई डेफिनेशन इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती होगी, तभी तो जाके लोग वायरल होते होंगे। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि इक्विपमेंट मैटर करता है कि नहीं। तो यार, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ मूवीज़ ऐसी होती हैं जिनको ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है, जो कि साल की बेहतरीन मूवी होती है, और उसी के साथ एक ऐसी मूवी भी होती है जो फ्लॉप तरीन मूवी होती है। तो वो कोई मोबाइल कैमरा पर या नॉर्मल कैमरा पर तो नहीं ना बनती, वो भी वही हाई एंड डेफिनेशन कैमरा पर बनती है, लेकिन फ्लॉप हो जाती है। तो वो फ्लॉप क्यों होती है? वो फ्लॉप इसी वजह से हो जाती है क्योंकि वो मूवी बोरिंग होती है। जब कोई चीज़ बोरिंग होती है तो लोग उसे देखना नहीं पसंद करते, जिसकी वजह से वो मूवी फ्लॉप हो जाती है। तो एक मूवी को ऑस्कर मिला और दूसरी फ्लॉप हो गई है, दोनों एक ही कैमरे पर रिकॉर्ड हुई हैं, एक ही उनकी एडिटिंग भी वैसी है, सॉन्ग्स वगैरह भी सब ठीक ठाक हैं, मतलब काफ़ी खर्चा किया है। लेकिन बात होती है सारी लोगों की टेंशन की। अगर लोगों की टेंशन ही नहीं है उसमें, तो वो मूवी कभी कामयाब नहीं हो सकती। जबकि दूसरी ऑस्कर वाली मूवी है, उसमें लोगों की टेंशन है। मूवी सिर्फ वही कामयाब होती है जो लोगों को बोर ना होने दे। अगर एक कंटेंट क्रिएटर का जो उसका कंटेंट है वो बोरिंग नहीं है, लोगों को पसंद आ रहा है, और उसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो लोगों को बोर कर रही है, तो वो जो कंटेंट क्रिएटर है वो कामयाब है। दूसरी तौर पर अगर आप महंगा कैमरा ले ले, महंगा माइक्रोफोन ले ले, महंगा पीसी ले ले एडिटिंग के लिए, और आपके कंटेंट में वो जान ही नहीं है कि लोगों को वो अपनी तरफ खींच सके, तो उस महंगा कैमरा का, महंगा माइक्रोफोन का, महंगा पीसी वो आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, वो फजूल है फिर तो। और दूसरी तरफ बात करते हैं जिनके पास ना तो महंगा कैमरा होता है, ना महंगा पीसी होता है, ना महंगा माइक्रोफोन होता है, और ना ही उनके पास ड्रोन होता है। उनके पास होता है क्या? उनके पास होता है टैलेंट, अपना टैलेंट, खुद का टैलेंट, नेचुरल टैलेंट। तो हाँ, अगर आपके पास टैलेंट है ना रियल, तो आप कामयाब हो सकते हो। कि दूसरी तरफ आपके पास टैलेंट नहीं है, आपको व्लॉग करने का नहीं पता, तो आप व्लॉगिंग में कामयाब कैसे हो सकते हो? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि हर वीडियो में इक्विपमेंट मैटर नहीं करता। अगर आपके पास महंगा इक्विपमेंट भी आ जाएगा ना, तो तब भी आप शुरू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब इंसान ने कुछ करना होता है ना, तो जो उसके पास होता है वो उसी से अपना काम शुरू करता है। लेकिन अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि मेरे पास एक महंगा कैमरा आ जाएगा, एक अच्छा HD 4K डिस्प्ले आ जाएगा जिस पर मैं एडिट कर सकूंगा, तो ये सिर्फ एक बहाना है आपका कुछ ना करने का। अगर आपने कुछ करना ही है ना, तो आप मेरी तरह 5 MP के कैमरे से भी शुरू कर सकते हैं, और मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। बाकी इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है और यूट्यूब पर भी, तो कोशिश एक जारी है। और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाजमी कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।